आज कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ा दिन है। आज गुलबर्गा में, एक महीना पहले गुलबर्गा में, इसी जो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का क्षेत्र है, प्रियंक साहब का क्षेत्र है, शरण प्रकाश पाटिल साहब का, मैडम कनीज फातिमा का और आलम भरू पाटिल का, पूरे कांग्रेस पार्टी का जो गढ़ था गुलबर्गा, वहां पर एक महीना पहले हमने कांग्रेस पार्टी का मेयर और डिप्टी मेयर बनाया। और एक महीने के बिल्कुल बाद आज चारों अकाउंट्स के, चारों कमेटी, जो अकाउंट्स, वर्क्स, फाइनेंस, हेल्थ कमेटी के चेयरमैन भी, चारों चेयरमैन कांग्रेस पार्टी के बने हैं। ये बहुत बड़ी बात है कांग्रेस पार्टी के लिए। मैडम कनीसा फातिमा साहिबा की बहुत बड़ी मेहनत इसमें रही है, आलम प्रभु पाटिल साहब की मेहनत रही है, प्रियंक साहब की मेहनत रही है। ये तमाम लोग एक प्लान कर यूनानिमसली यहाँ पर हमने यूनानिमसली मेयर और डिप्टी मेयर को चुना था। उसी तरीके से आज चारों कमेटी के चेयरमैन सेलेक्शन भी वैसे ही हो गए हैं। तो मैं जनाब अजीमुद्दीन साहब, शिरनी फरोज साहब को मुबारकबाद देता हूँ, जो वर्क्स कमेटी के चेयरमैन बने हैं। जनाब गौस पत्ती मुड़ साहब के मिसेस, दोनों फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन बने हैं। मैडम इरफाना मैडम जो अकाउंट्स कमेटी के हैं, उन्हों अकाउंट कमेटी के खालिद भाई चेयरमैन बने हैं। हमारे सचिन शिरवाल साहब जो हेल्थ कमेटी के हैं, उन्होंने हेल्थ कमेटी के चेयरमैन बने हैं। मैं पार्टी के तमाम सीनियर लीडर्स, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जगदेव गुत्तेदार साहब का, प्रियंक खड़गे साहब का, शरण प्रकाश पाटिल साहब का, मैडम कनीज फातिमा साहिबा का, आलम प्रभु पाटिल साहब का, तमाम सीनियर लीडर जो हजर आलम खान साहब जीडीए चेयरमैन है, अहमद साहब है, ये अजमल गोला साहब है, ये तमाम लोग एक बेहतरीन दिमाग लगाकर यहाँ पर पार्टी को बहुत बड़ा फायदा दिलाया है। और मैं ये चारों लोग से उम्मीद रखता हूँ कि ये पार्टी का नाम करेंगे, खड़गे साहब का गुलबर्गा में नाम करेंगे और गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में जितना हो सकता है उतना डेवलपमेंट करने की ये चारों लोग कोशिश करेंगे। मुबारकबाद देता हूँ चारों लोगों को।